नेटवर्क कनेक्शन का मसला बता रहा है, कह रहा है नेटवर्क कनेक्शन क्यों यहाँ तक नहीं आ रहा आपका वाईफाई, वाईफाई यहाँ तक नहीं आता आपका। मैं इसको कवर करना चाह रहा था। मेरा ख्याल है अब तो दिखा रहा है मुझे लाइव कि हमजा आपको मेरी पिक्चर अगर आ रही है तो एक ज़रा सा वेव करें मुझे एक बार और तो मुझे पता चले। ओके गुड, यू आर लाइव, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स मैं इस वक्त यहाँ गोरंगी रोड पर मौजूद हूँ और जिस जगह का मैं विज़िट कर रहा हूँ वो है अजीज़ हॉस्पिटल। आई होप कि मेरी आवाज़ आपको ठीक आ रही होगी। मैं बिल्कुल मेन गोरंगी रोड पर इस वक्त खड़ा हूँ और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जगह का नाम है अजीज़ हॉस्पिटल और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर काम होते हैं और ये देखिए आपको नज़र आएगा यहाँ पर क्या क्या किस किस तरह के काम हो रहे हैं और बहुत ही एक ज़बरदस्त फैसिलिटी है यहाँ के लोकल लोगों के लिए। और ये जो है मेन कोरंगी रोड है और ये मेन कोरंगी रोड है, इस पर ये वाक़ है, नासिर कॉलोनी का इलाका कहलाता है, नासिर जंप ये जो है वो एग्जैक्ट जगह है, नासिर जंप पर ये जगह मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पर इस हॉस्पिटल के बहुत ही की पर्सनल मौजूद हैं, हम इनके साथ चलते हैं। पहले तो अपना तारुफ करवा दीजिए। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह, मेरा नाम फारूक साले है और ये जनाब इमरजेंसी है यहाँ पर और एज सून एज वी एंटर तो ये इसका रिसेप्शन है यहाँ पर जी। ये हॉस्पिटल का एंट्रेंस है, ये वेटिंग एरिया है, हमारे पास यहाँ पे जो भी इमरजेंसी में आते हैं उनके लोग वेट करने के लिए हैं। ये हमारे पास फार्मेसी का सेटअप है ताकि लोगों को बर वक्त लाइफ सेविंग ड्रग्स की यकीन फरहमी हो सके, यकीनी बनाई जा सके। बिल्कुल ठीक। ये हमारे पास इमरजेंसी के लिए इमरजेंसी वार्ड है, इमरजेंसी वार्ड है जिसमें पेशेंट्स आए उनकी मॉनिटरिंग और सारी चीज़ें देखभाल की जा सके ताकि इंस्टेंट उन्हें फर्स्ट एड की हेल्प मिल सके और वो स्टेबलाइज हो सके। वेरी गुड। डॉक्टर यहाँ पर डॉक्टर मौजूद होते हैं, डॉक्टर मौजूद होते हैं। बिल्कुल। और ये टोटल सिक्स इमरजेंसी है, सिक्स बेड इमरजेंसी है। अच्छा, ये इसका पोर्शन है जब पेशेंट्स आए तो उनको। ये जनाब यहाँ पर सिक्स बेड इमरजेंसी है, बेड्स पड़े हुए हैं और व्हील चेयर्स भी रखी हुई हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो यहाँ पर फराहम किया। हॉस्पिटल में मेजर रोल जो है वो डायग्नोस्टिक का होता है, राइट डायग्नोस्टिक ब्रिंग्स द राइट रिजल्ट्स और फिर तशखीस के बाद इलाज फौरन शुरू करने में चीज़ें बड़ी हेल्प करती हैं। सही। ये हमारा कलेक्शन एरिया है, सैम्पल कलेक्शन एरिया से ब्लड सैम्पलिंग, यूरिन सैम्पलिंग और दूसरे सैम्पल्स यहाँ पर रिसीव किए जाते हैं। सही। और अगर इंस्टेंटली ड्रॉ करना हो पेशेंट की मौजूदगी में तो उन चीज़ों को भी जो है वो सैम्पल लिए जा सकते हैं। ठीक। इसी एरिया के यहाँ पे हमारा वैक्सीनेशन सेंटर के लिए जो वैक्सीनेटर हैं वो वीकली अवेलेबल होते हैं। अच्छा। एरिया में बच्चों को जो है वैक्सीन के लिए आपका रेफ्रिजरेटर मौजूद है। बिल्कुल ठीक। फिर ये हमारे कंसल्टेंट एरिया के जो भी कंसल्टेंट्स टाइम टू टाइम आ रहे होते हैं, अलहमदिल्ला 22 कंसल्टेंट्स एट द मोमेंट, डायबिटीज़ के लिए, हार्ट के लिए, ऑर्थोपेडिक के लिए, मेडिसिन के लिए। अच्छा। सारे कंसल्टेंट्स हमें टाइम टाइम जनरल सर्जरी के लिए, जनरल सर्जन हैं हमारे पास, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, फीमेल हेल्थ, ये हमारे कंसल्टेंट रूम्स हैं जिसमें के कंसल्टेंट पेशेंट के साथ अपनी प्राइवेसी से जो भी हेल्थ इश्यूज हैं उनको जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक। नाइस।
अच्छा, एक अल्ट्रासाउंड मशीन आप यहाँ पे रखी हुई है? जी, ये हमारी जो है ईसीजी मशीन है। अच्छा, ये ईसीजी मशीन है। ठीक, ईसीजी मशीन है। ठीक है, वेरी नाइस। ठीक, कार्डियक रिलेटेड जो लोग, बिल्कुल बिल्कुल, सर्जरी से पहले उन्हें बॉडी स्कैन करनी होती है पेशेंट की, ठीक, उसके लिए ईसीजी मशीन है। बेबी स्केल में रखा हुआ है। ठीक है, डॉक्टर अफशा हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। जी, डॉक्टर अफशा हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अफशा, कैसी हैं आप? कब से हैं आप यहाँ पर? डॉक्टर अफशा जी इस एरिया में बहुत सालों से। डॉक्टर अफशा मेरा माइक ले लीजिए और इसमें बताइए आप हमें। मुझे इस एरिया में काम करते हैं ऑलमोस्ट 13 इयर्स हो गए। 13 इयर्स, माशाल्लाह। तो ये कि मुझे पता है कि कैसे पेशेंट्स आते हैं और क्या उनके, किस तरह उनको डील करना होता है, और कितनी यहाँ पे क्वेरीज हैं, कितनी मैल प्रैक्टिसेस होती हैं। अच्छा, तो मैं हमेशा यही कहूँगी कि अब मैं इसी तारीख रोड में रहती हूँ, माशाल्लाह, तो वहाँ से करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम जितने भी डॉक्टर्स हैं इस एरिया में आए, काम करें, छोटे एरिया में आए काम करें, सर्व करें, ताकि यहाँ भी इन लोगों को अच्छी क्वालिटी हेल्थ मिल सके। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू, थैंक यू। ये हमारी लेबोरेटरी का सेटअप है, जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन सैंपल कलेक्शन के बाद यहाँ पे आ जाते हैं। ये सारे का सारा जो है हेमाटोलॉजी, खून से रिलेटेड जो लोगों की डिजीज है उसको फाइंड आउट करने के लिए नॉर्मल केमिस्ट्री और दूसरे टेस्ट वगैरह जिसमें माइक्रोस्कोप्स और वो चीज़ें और इक्विपमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे के सारे जो है एक अच्छे तरीके से हम उसको परफॉर्म कर रहे हैं अंडर क्वालिफाइड स्टाफ। जी, उनकी रिपोर्टिंग को फैसिलिटेट करना, उनको टाइमली जो है डायग्नोस्टिक में। सभी आप क्या कर रही हैं यहाँ पर हॉस्पिटल में? सर, मैं अजीज हॉस्पिटल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और फारूक भाई के साथ मैं तकरीबन 13-14 साल से, और माशाल्लाह जो है इस हॉस्पिटल के हवाले से जो है हमारा रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। जना, ये हमारा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है। रेडियोलॉजी है, ठीक है। हमारे पास कंप्यूटराइज्ड रेडियोग्राफी का बंदोबस्त है। उस पे काम हो रहा है। अच्छा, ये एक्सरे आ गया जनाब, एक्सरे हुआ और यहाँ पर एक्सरे आ गया और उसको चेक किया जा रहा है। यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है, अभी स्कैन स्टेटस चल रहा है यहाँ पर। और ये देखिए, ये मशीन जो है इसको बैक एंड फोर्थ चलाती है कलम को, और पूरा यहाँ पे ये कंप्यूटर सिस्टम है जिसको कंट्रोल कर रहा है। आप लोग लैब टेक्नीशियन हैं? आप इंजीनियर्स हैं, सॉरी, माफी चाहता हूँ। ये हमारा एक्सरे एरिया है विच इज प्रॉपरली शील्डेड विद लेड शील्ड। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जनाब, बिल्कुल बिल्कुल। हमने हमेशा कोशिश ये की है कि अपने जो काम करने वाले हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का प्रॉपर इंतजाम हो, ताकि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी कोई ऐसी चीज़ है, क्योंकि ये बहुत ही साइलेंटली वर्क करता है, तो इट्स बेटर कि उनके लिए ऐसी फैसिलिटी का इंतजाम हो जिसमें हम वो प्रोटेक्टेड रहें और वो प्रोटेक्ट रहें और वो अपने मशीन है। हिटाची की बनी हुई है, वेरी पावरफुल मशीन, और इसमें आपके पास बेड एक्सरे के लिए और चेस्ट एक्सरे के लिए। हम लेडीज के एक्सरे करते हैं, इसमें तमाम जो है ऑर्थोपेडिक रिलेटेड एक्सरेज होते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। इसमें हम HSG, एक फीमेल टेस्ट होता है, वो भी बाद में ऐड करने जा रहे हैं। अच्छा, स्पेशलिस्ट टेस्ट है रिगार्डिंग इनफर्टिलिटी, जिसमें आपको वुमेन हेल्थ के लिए बहुत हेल्प मिलती है, डॉक्टर को डायग्नोसिस हो जाता है कि कहीं प्रॉब्लम है तो दे नो ऑफ हैंड कि भाई ये प्रॉब्लम है, तो इसको हमने क्योर कर रहे हैं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी कनेक्ट हो रहा है, हो गया। ये हमारे पास डायग्नोस्टिक का हिस्सा है, ये हमारा अल्ट्रासाउंड मशीन है, और हमने जो है डायग्नोस्टिक में
उसको भी अपनी हेल्थ अवेयरनेस हो. अच्छा, वो इस पे चल रहता है वो ड्यूरिंग द प्रोसेस जो है पार्ट ऑफ इट एंड दे आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग और क्या नजर आ रहा है इसके. एक वो यूं करके देखते हैं. जी जी जी, दैट्स डिफिकल्ट. तो ये बिल्कुल इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है और जो कुछ यहाँ पे हो रहा है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे वो सब कुछ यहाँ पे नजर आ रहा है. बहुत जबरदस्त नजर आ रहा है. रिकॉर्डिंग के लिए जो है सॉफ्टवेयर और देन रिपोर्ट फॉर्म मिल जाती है. प्रोवाइड कर दीजिए. वेरी वेरी नाइस. बहुत शुक्रिया. ये बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट फैसिलिटी है. अच्छा ओके, उसे जो इसके डायग्नोस्टिक फाइंडिंग दे दीजिए. ये हमारे साउथ विंग में मोस्टली जो है कंसल्टेंट रूम्स हैं. इमरजेंसी है प्लस डायग्नोस्टिक है. यहां पर नॉर्थ विंग और एक साउथ. नॉर्थ का साउथ. तो अभी हम लोग साउथ विंग में. अभी हम साउथ विंग में. ठीक. ये हमारा एक छोटा सा जो है फोर बेड का जो है रिकवरी रिकवरी है. यहां पे पोस्ट ऑपरेशन जो है केयर दी जाती है. स्टाफ हमारे पास 24 आवर्स है. अच्छा. और डॉक्टर हमारे पास हर वक्त होता है ताकि लोग समटाइम्स इमरजेंसी में स्टिचेस हैं चीज़ें हैं वो करके और जो भी पेशेंट है उसको स्टेबलाइज किया जा सके उसकी हेल्प की जा सके ताकि वो अपनी जो है नॉर्मल एक्टिविटीज़ को दोबारा. थोड़ा सा इसका फाइनेंशियल मॉडल अभी थोड़ा सा अपने पीसफुल एरिया है. थोड़ा सा फाइनेंशियल मॉडल इसका दोबारा से हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए. सर फाइनेंशियल मॉडल इसकी हमारी एक्चुअली कंसीवमेंट जो है वो नॉट फॉर प्रॉफिट की है. हम कोशिश ये करें क्योंकि इसमें जो इन एंकर पर्सन हेल्थ रिलेटेड जो हेल्थ डायरेक्टर हैं वो डॉक्टर फराज साले हैं. ठीक है. और डॉक्टर फराज साले के साथ खुद भी एक लाइफ में ऐसी ट्रेजडी हुई दैट हैज टम्प्टेड हर टू बी यू नो डूइंग फॉर द हेल्थ बिकॉज़ शी गॉट हरसेल्फ गॉट पोलियो एट वेरी अर्ली एज. तो उन्होंने ये उनकी एक बहुत जैसे कहना ऐसी एफर्ट है जिसमें सिर्फ एक फिजिबिलिटी है फाइनेंशियल मॉडल की कि लोगों का काम अच्छा होना चाहिए. और उसके लिए उन्होंने अपने आप को टोटली डेडिकेट कर दिया है. उनका टाइम उनके एफर्ट्स उनकी सारी की सारी चीज़ें जितने भी लोगों को करने के लिए ये बेसिकली उनके कंसीवमेंट है कि हमारे एरिया में एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटी चाहिए क्योंकि हमारे एरिया में सर अराउंड 2.6 मिलियन पॉपुलेशन है. करनीलांडी कराची का एक सबर्बन एरिया है जिसमें कि क्वेकरी बहुत ज़्यादा आम है अनफॉर्चुनेटली हमारे सोशो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से. तो उसमें वो हमेशा कोशिश करती है कि मैं पेशेंट को बेस्ट डायग्नोसिस दूँ बेस्ट जो है उसका ट्रीटमेंट दूँ जितना भी हो सकता है. शी इज़ ऑल्सो वर्किंग इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल. वहाँ से भी लोगों को कि जो अगर कोई फैसिलिटी गवर्नमेंट के जिस जगह वो है नहीं है तो लोगों को जो है वो गाइड किया जा सके कि भाई आप यहाँ जा सकते हो यहाँ कर सकते हो इस तरह से कर सकते हो. सर्टेन टाइम कुछ चीज़ें लिमिटेड होती हैं. And she has dedicated herself totally for working in the health industry. यहाँ कब होती है वो available doctor? वो जी उनकी जो ड्यूटी टाइमिंग है सुबह 9 से 1 तक होती है. उस वक्त तक दूसरे डॉक्टर्स जो हैं वो होते हैं. उसके बाद 1 बजे से लेकर रात 10 बजे तक वो यहाँ अवेलेबल होती हैं. अच्छा. यहीं अवेलेबल होती हैं. She is totally dedicated towards this hospital. जी. ये और उन्होंने ये सारे एफर्ट चीजें अपनी सेल्फ एफर्ट से अभी तक कोशिश की है. फ्रेंड्स एंड फैमिली लोगों ने हेल्प की है डेफिनेटली. लेकिन उन्होंने शी इज ऑल आउट फॉर के हमने इसके अलावा कुछ नहीं करना. लोगों को हेल्प करना है और उनको जितना मैक्सिमम बेनिफिट हो सके क्योंकि टाइम इंसान के पास हमेशा लिमिटेड होता है. बिल्कुल लिमिटेड होता है. एग्जैक्टली. जी बहुत जबरदस्त काम हो रहा है माशाल्लाह. चलिए आगे बढ़ते हैं. जी ये हमारा छोटा सा पार्किंग एरिया है जिसमें के पेशेंट्स और डॉक्टर्स की गाड़ियाँ पार करने के लिए ताकि अपना आराम से पीस ऑफ माइंड रहे उनको बाहर गाड़ी ना खड़ी करनी पड़े. जी बाहर आपको यहाँ पर ला के आराम से पार्क करें और यहाँ पर ड्राइवर हजरात के बैठने का भी इंतज़ाम है. तो अब हम जा रहे हैं नॉर्थ विंग की तरफ. नॉर्थ विंग की तरफ नॉर्थ विंग में ग्राउंड फ्लोर की तरफ जिसमें कि मेजर सर्जरी का ऑपरेशन थिएटर है NICU प्लांट है ICU सारी की सारी प्लानिंग में शामिल है. और ये बता दें कि यहाँ पर 3 जनरेटर्स मौजूद हैं. तो पावर जो है वो जाती है तो फौरन जो है ये जनरेटर्स जो है ऑन हो जाते हैं और पावर की सप्लाई जो है वो इस एरिया में पावर के चैलेंजेस हैं. मैं तो अक्सर कहता हूँ कि डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान पावर है. Without that we cannot deliver. Exactly. तो ये हमारे पास यहाँ पे ऑपरेशनल ऑपरेशन थिएटर है.
ये जनाब ऑपरेशन थिएटर है, बेसिक सी सेक्शंस और जनरल सर्जरी हो रही हैं। ठीक, इस वक्त भी लोगों को जो है वो फैसिलिटेट किया जा रहा है। इट्स 100% ऑपरेशन। वेरी गुड। बेबी का इंक्यूबेटर भी यहाँ पर जी है। बेबी का ऑर्डर है, बर्थ के बाद बच्चे को टेम्परेचर की जरूरत होती है उसके लिए फॉर्म है यहाँ पर। फिर सर सक्शन पंप है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये सर्जरी के बाद ब्लड वेसल्स को फिल करने के लिए डायथर्मी मशीन है। फिर इसी को देखते हुए इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा ओल्ड ऑपरेशन थिएटर था, हमने न्यू ऑपरेशन थिएटर भी प्लान किया है जिसके लिए काम हो चुका है काफ़ी हद तक। सारे का सारा इक्विपमेंट जो है वो मच नीडेड है। पाकिस्तान जो है वो हद तक आपका मेन ऑपरेशन जिसमें सारी ऑर्थोपेडिक की सर्जरीज ऑर्थोपेडिक प्लस ब्रेन की हम चाहते हैं कि सर्जरीज हों यहाँ पे। जो है जनरल सर्जरीज तो डेफिनेटली उसका डोमेन होता ही है, ज़्यादातर वो हो रही होती हैं। आपकी फ्लोरोस्कोपी है, आपके पास प्रॉपर जो है हेल्थ फैसिलिटीज इसके लिए जितनी भी चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं डेफिनेटली। सॉरी जनाब, थोड़ा सा वाईफाई का इशू है यहाँ पर। तो अभी हम आपको सर करवा रहे थे ऑपरेशन रूम की, और ऑपरेशन रूम से निकलने के फौरन बाद राइट साइड पे स्क्रब क्लीनिंग रूम है। तो जो सर्जन हजरात हैं सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद वो उसको यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर प्रॉपर फॉसेट, प्रॉपर फ्रंट प्रोटेक्शन उसके लिए ग्लास लगाया हुआ है ताकि जो भी अगर कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जैसे ब्लड है कुछ भी है तो वो बॉडी के ऊपर स्पिल ना हो की सर्जन। और उसके साथ साथ लेफ्ट साइड पर आप देख रहे हैं ये चेंज रूम है और डॉक्टर्स का वेटिंग रूम है जहाँ पर एनेस्थीसिस्ट जो हैं वो बैठे होते हैं एनेस्थीसिया देने के बाद जब तक सर्जन काम कर रहे होते हैं, और वो उनको टाइम टू टाइम पेशेंट को अटेंड कर रहे होते हैं जो मुझे बताया गया उस मालूम के मुताबिक। जी बिल्कुल, ये हमारा रिकवरी रूम है जिसमें कि सर्जरी के बाद यहाँ ले आया जाता है लोगों पेशेंट को स्टेबल करने के लिए। मॉनिटर हो गया और सारा उसको जो है ये हमारा प्रपोज प्लान जहाँ आपको पिक्चर्स नजर आ रही हैं। इसके पीछे की तरफ आईसीयू का प्लान है, अराउंड 6 बेड आईसीयू का, फुल फ्लेज्ड आईसीयू, एटलीस्ट 3 वेंटिलेटर्स इंशाल्लाह। अच्छा जबरदस्त जी। ये इसी के बिल्कुल साथ हमारा जो है ये एनआईसीयू है आपका, ये एनआईसीयू है ठीक। ये ना प्रपोज नहीं, यहाँ पर जो बच्चे पैदा होने के बाद उनको किसी टेंशन की ज़रूरत होती है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन है उसको अटेंड करने के लिए निकी मॉडल है यहाँ पर माशाल्लाह। और बहुत ज़बरदस्त अंदर की तरफ रेडी है टू स्टार्ट ओनली द इक्विपमेंट इज अवेटेड। और कुछ दोस्त हैं जिन्होंने हमें जो है प्रॉमिस किया है, कमिट किया है आपको फंड देने के लिए, उसके लिए फंड्स देंगे ताकि हम जो है अपने एरिया में लोगों को स्पेशली यू के हवाले से जो भी बच्चे हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए जो है वो बहुत अच्छा। यहाँ पर कितने ग्रुप आ सकते हैं? दो सर, ये 8 की स्पेस है, हमने 6 बनाए हुए हैं। इसके साथ हो रहा है कि हम इनके साथ हम बाकायदा जो है वो वेंटिलेटर्स देंगे। ये वेंटिलेटर्स तक हम चाहते हैं कि वेंटिलेटर की फैसिलिटी के साथ हो, वेंटिलेटर हो, एक्सरे हो, लैब जो है हमारे पास वैसे ऑन साइड फैसिलिटी है ताकि जो हर चीज़ है वो क्विक हो और टाइम से हो और बच्चे जल्द से जल्द जान बचाए जा सके। जी बिल्कुल, जल्द से जल्द। इस वक्त हम हमारे पास फर्स्ट फ्लोर में सारे का सारा गायनी का प्लान सेटअप के लिए है, और ऊपर हमारे पास जो है वो जनरल वार्ड अराउंड 30 बेड्स का प्लान है। ठीक है, काम जारी है। ना फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं इसका, ये ग्राउंड फ्लोर अभी आपने देखा, यहाँ पर जो भी इंतजाम सेटअप देखा आपने वो ग्राउंड फ्लोर था, अब हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर।
ये फर्स्ट फ्लोर है जी, इसमें व्हील चेयर के थ्रू जो है पेशेंट को एक्सेस है, है। ये रैंप बना हुआ है थ्रू आउट, थ्रू आउट जो है ये रैंप है। यहाँ पर आपको कोई सीढ़ी नज़र नहीं आएगी, के व्हील चेयर और जो बेड है स्ट्रेचर है वो मूव किया जा सके। ये हमारा, ये आपका वो वार्ड है, ये हमारा 30 बेड वार्ड है, ह्यूज सर्जरी और सब ऑपरेशंस और सर्जरी के बाद स्टेबलाइज होने के लिए लोगों को रिकवरी एरिया है। या ग्राउंड 2 से 3 रोज एक आदमी एडमिट रहता है तो वो स्टेबलाइज हो जाता है ताकि अपनी नॉर्मल लाइफ की एक्टिविटीज़ को जो है वो कैरी ऑन कर सके। ये हमारा डॉक्टर्स रूम है, डॉक्टर्स मोस्टली कंट्रोल रूम के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें अगर डॉक्टर ने रेस्ट करना हो आफ्टर सर्जरीज और तो यहाँ आके बैठ के आपस में बातचीत कर सकते हैं, कोई पैनल डिस्कशन हो वो कर सकते हैं, बिल्कुल कैंडिड एनवायरनमेंट। वेरी नाइस। ये हमारा सारे का सारा ये जो एरिया है ये डेडिकेटेड है फॉर बर्थ्स। इसी में हमारा प्लान्ड जो है ऑपरेशन थिएटर भी है, प्लस फर्स्ट स्टेज ऑफ डिलीवरी और सेकंड स्टेज ऑफ डिलीवरी का अरेंजमेंट भी इसी एरिया में है। ये भी पूरा कंस्ट्रक्टेड है, बना हुआ है और ये प्राइवेसी भी है कि फीमेल्स जो हैं डेफिनेटली प्राइवेसी चाह रही होती है उस टाइम पे, और वो जितना फीमेल स्टाफ ही जो है वो काम कर रहा होता है। बिल्कुल। पीछे की तरफ हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है विद अटैच बाथरूम, ताकि जब वो पेन स्टार्ट हो तो यहाँ पे वो उनके लिए अरेंजमेंट होगा। ठीक है। इस वक्त यहाँ पर एज ए स्टोरेज जी, फिलहाल स्टोरेज इस्तेमाल होगा। ये हमारा सेकंड स्टेज डिलीवरी का अरेंजमेंट यहाँ पे होगा, ये भी स्टोरेज ही है, फिलहाल स्टोर किए हुए चीज़ें कुछ हैं अवेलेबल। ये हमारा ऑपरेशन थिएटर है, इसमें हम अगर सी सेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है उस पेशेंट को लेबर से नहीं डिलीवर हो रहा तो सी सेक्शन, ताकि फॉरन डिसीजन लेके आप सी सेक्शन की तरफ जा सके ताकि पेशेंट की रिकवरी और माँ और बच्चे दोनों की जान बचाई जा सके। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, क्योंकि इस तरह के मामलों में टाइमली डिसीजन जो हैं वो बहुत काउंट करते हैं, उनका मेजर पिवोटल रोल है। बिल्कुल। तो जनाब व्यूअर्स, आपने देखा अजीज हॉस्पिटल का सेटअप, कुछ आप हमारे व्यूअर्स से आप कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मेरा खुद ताल्लुक हेल्थ इंडस्ट्री से नहीं था, क्योंकि मेरी सिस्टर हैं, शी वॉन्टेड टू डिलीवर फॉर पीपल। मैं सिर्फ एज एन बाय लार्ज मेरा मैसेज यही है कि आएँ, लोगों की हेल्प करें, ये बहुत बड़ा काम है, ये हमारी ज़ात से बढ़ के काम है, इसमें अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, आपने देखा अजीज़ हॉस्पिटल का हमने विज़िट किया, बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटी और टूवर्ड्स इट्स मैक्सिमम चैरिटेबल स्टेटस पे ये काम कर रही है, और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज भी करवाए जाते हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड का कोर्स यहाँ पर करवाया जा रहा है, 3 महीने का कोर्स है, 3 महीने का कोर्स है, और उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। और उसके बाद में मज़े की बात ये है कि जो इनका अल्ट्रासाउंड का कोर्स है उसमें मैट्रिक से मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट जो है वो मैट्रिक है, तो उस कोर्स को 3 महीने करने के बाद आदमी इस काबिल हो जाता है कि वो अपनी जो अल्ट्रासाउंड की मशीन है उसको ऑपरेट कर सके और उसको सही तौर पे डिलीवर कर सके उसके टेस्ट रिक्वायरमेंट में। और मैट्रिक से लेकर के अप टू द डॉक्टर्स MBBS जो भी आप उसको सीखना चाहें वो सीख सकते हैं। तो एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम यहाँ पर मौजूद है और लोग आएँ यहाँ पर और इससे फ़ायदा उठाएँ। आज मैंने कहा आपके साथ अजीज़ हॉस्पिटल की स्टोरी शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चल सके। आप लोग अगर इस कॉज के लिए आप कुछ डोनेशन या कुछ आप शेयर करना चाहते हैं, अजीज़ हॉस्पिटल के पेज पर जाइए और उस पेज का लिंक आपको इसकी लाइव वीडियो की कैप्शन में आज इसके लाइव के बाद में कुछ देर बाद इंशाल्लाह उसमें डालूँ। इंशाल्लाह फिर आपसे किसी और जगह पर मुलाकात होती है, उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।